खास तौर से इरिडा और एनएचपीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत सारे रिटेल निवेशकों की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है, 300 के आसपास का, 310 के आसपास का हाई लगाया था इसने, अब 200 के नीचे भी हमने फिसलते हुए देखा, अभी 3% नीचे है, 204 205 के आसपास, कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, एनएचपीसी ने काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, जो कि 90 से 100 के बीच में था, अब ये 80 की रेंज में, 80 से 90 की रेंज में आ गया है, यहाँ पर और कितना पेन बाकी रह गया है? तो विपुल जी, अगर पहले हम पूरे पीएसयू क्षेत्र की बात करें तो पीएसयू में इतना बाइंग इंटरेस्ट या इतनी पोजीशंस इसके लिए है क्योंकि जो पिछले 1.5 साल की तेजी थी, एग्जैक्ट मार्च 2023 में जो बॉटम बनाया था पीएसयू स्टॉक्स ने, वहां से लेके सितंबर या जुलाई अगस्त 2024 तक जो तेजी आई, उसमें पीएसयू स्टॉक्स ने वन साइड पार्टिसिपेशन किया इन बिल्कुल रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से पीएसयू के कैसे फंडामेंटल है नो, वो सब के बावजूद फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनीज भी है काफी सारे पीएसयू क्षेत्र में, बट वो सबके बावजूद सभी सारी की सारी पीएसयू ने अच्छे रिटर्न दिए। सो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं फेज अब कंप्लीट हो चुका है, और अब हर तेजी में देखेंगे तो हर तेजी में जो साइकिल्स होती है उसमें जो थीम होती है वो चेंज होती है। तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू की जो थीम है वो अब जो नेक्स्ट तेजी की साइकिल होगी उसमें आपको हर एक पीएसयू पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखेगा, बट हाँ जिनके अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे नंबर्स आते हैं कि जहाँ पे नो एफआईएस का या नो म्यूचुअल फंड्स का अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है, वैसे स्टॉक्स में आपको फिर से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, बट ऐसा नहीं रहेगा कि जस्ट पीएसयू है इसके लिए वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वो फेज अब पीएसयू में आपको फिर से इमीडिएटली आने वाले समय में नहीं दिखेगा। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक काफी चुनिंदा रहिएगा विद इन द पीएसयू फेज में। स्टॉक्स की बात करें तो इरेडा के साथ में अगर शुरुआत करें तो इरेडा में आई थिंक लिस्टिंग के बाद में ये स्टॉक ने भी काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे कंपेयर टू जो प्राइस पे आईपीओ आया था या जो प्राइस पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये करेक्टिव फेज है, लेकिन स्टॉक में 160 180 ये काफी अच्छा सपोर्ट रेंज है। सो कहीं ना कहीं 300 का हाई बनाया था, 300 से 200 तक तो आ ही गया है और नीचे 160 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो प्राइस वाइज डाउन साइड यहाँ पे काफी लिमिटेड लग रहा है। सो मेरे ख्याल से आपकी पोजिशन है तो आप ये स्टॉक में बने रहे, ऐसे कुछ मार्केट की गिरावट में 180 160 की रेंज में अगर स्टॉक मिलता है तो आई थिंक वो अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे नए खरीदारी के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेंगे। एनएचपीसी में रिसेंटली जो 90-95 ये सपोर्ट था वो स्टॉक ये स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है एनएचपीसी में। तो फिलहाल तो कोई तेजी के साइंस यहाँ पे नहीं है, 75 से 70 की रेंज में मेजर सपोर्ट एनएचपीसी में है।